Hi guys, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज ना मैं अपने फेस का फेशियल करने वाली हूँ, मतलब आज ना मैं फेशियल करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब जब तक कोई फंक्शन आना है, मतलब हमारे मन में आता ही नहीं है कि यार हम अपने चेहरे को थोड़ा सा संवारें। तो अभी मेरे मन में आया कि मैं अपने थोड़े से चेहरे को संवार लूं, और चेहरा संवारने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए नेचर एसेंस की फेशियल किट्स के अलावा तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता है, लाइक सीरियसली। इसलिए मैंने इतना भर भर के स्टॉक जो है अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरीके की सारी फेशियल किट्स मौजूद हैं। जब मेरा मन करता है मैं कोई भी फेशियल किट उठाती हूँ और फटाफट से अपना फेशियल जो है घर पर ही कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फेशियल किट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और एक से तीन बार आप कर सकते हो महीने में। अगर आप एक बार करते हैं, वैसे फेशियल जो है महीने में सिर्फ एक बार ही करना चाहिए, तो आराम से एक फेशियल किट आपकी एक महीना चल जाती है। ऐसे में जो आपको सूट करती है, जो भी आप चाहते हैं यूज़ करना, यहाँ पर मेरे पास पर्ल फेशियल किट मौजूद है, यहाँ पे फ्रूट फेशियल है, पपाया फेशियल है, गोल्ड, पर्ल, सब के सब फेशियल किट्स हैं नेचर एसेंस की, और इजीली ये मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा जी, आज ना मैं करने वाली हूँ ये वाला फेशियल, ये है फ्लॉलेस पपाया फेशियल, और ये किट आज मैं ओपन करने वाली हूँ खुद के लिए। चलिए फटाफट से इसे खोलते हैं और अपना फेशियल करते हैं। और साथ ही आप मेरा फेस जो है अभी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। तो अभी मैं ये वाला फेशियल किट हम यूज़ करते हैं और मैं आपको आफ्टर जो इसका इफेक्ट आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से फटाफट से ना मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो के ना मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फेशियल किट को जो है ओपन कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चार स्टेप्स हैं, और इन चार स्टेप्स को करने से पहले आपको ये D10 थेरेपी का वाइप ऑफ मास्क जो है इसे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्री फेशियल प्रेपरेशन के लिए काम आता है। शुरुआत करते हैं हम इस D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क से। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सी छोटी सी ट्यूब है इसकी। अच्छा जी, इसकी ना आपको एक थिक सी लेयर लगानी है आपके फेस पर, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा ली है, और 15 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही अपने फेस पर रखे रहने देना है। 15 मिनट्स हो चुके हैं और अभी मैं अपने फेस पर इस क्रीम से मसाज करने वाली हूँ 1 to 2 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो एकदम यू नो टाइट हो जाती है जब आपने ये क्रीम 15 मिनट के लिए लगाई रखी थी। तो अगर आप ऐसे ही स्किन के ऊपर मसाज करते जाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है जी। तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा वेट जरूर कर लें। मसाज वगैरह हो चुकी है और अभी मैं वेट टिश्यू के साथ अपना ये जो क्रीम मैंने लगाया है इस समय रिमूव कर दूंगी अच्छे से। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है वो फेशियल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप वन की, लेकिन उससे पहले मुझे अपना फेस को थोड़ा सा गीला जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये वाला स्टेप जो कि है क्लिंजिंग। चलिए फटाफट से हमारे फेस को क्लीन कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी अमाउंट मैं यहाँ पर लूँगी और 5 मिनट्स के लिए या फिर 2 to 3 मिनट्स के लिए अपने फेस पर अच्छे से इसके मसाज करूँगी इससे, ताकि मेरा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। सो 3 मिनट के मसाज के बाद अब मैं अगेन एक वेट टिश्यू लूंगी और अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर दूंगी। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रबिंग, यानी कि एक्सफोलिएशन। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये वाला एक्सफोलिएट, एंड ये स्क्रब है, और इसका आप कलर जो है वो देख सकते हैं ऑरेंज है, और इस स्क्रब के अंदर है राइस पार्टिकल्स जो कि आपके स्किन को जो है नाइसली एक्सफोलिएट करेगा, जिससे आपकी जो स्किन है उसके अंदर जो पोर्स हैं गंदगी वगैरह हो जाती है, तो उसे ये रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और इसकी जो स्मेल है इट इज़ सो नाइस। इससे आपको 5 मिनट के लिए जो है स्क्रब करना है आपकी स्किन के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्क्रब भी नहीं करना है। लेकिन स्क्रब करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपकी स्किन है, आपका जो फेस है वो थोड़ा सा जो है वो वेट होना चाहिए। इससे आपकी स्किन को हार्म पहुँच सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो 5 मिनट के लिए मैं आपकी स्किन को
अच्छे से एक्सफोलिएट करूँगी। अच्छा जी, स्क्रब जो है वो अच्छे से हो चुका है। अब आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना, आपकी स्किन को ऐसे ही रहने देना है और मेरा जो फेस है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है अगले स्टेप के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा ये है जी मसाज क्रीम। इसे हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, इस तरह की इसे डॉटेड फॉर्म में इसे हमारे जो फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरह से, और मसाज करनी है अच्छे से। 5 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कीजिए जब तक कि ये हमारे स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो जाती। इस मसाज क्रीम से हमारा जो फेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, सफल हो जाएगा और प्रिपेयर हो जाएगा हमारा जो लास्ट स्टेप है इस फेशियल का वो करने के लिए। अब जी आ गए हैं हमारे लास्ट स्टेप पर, जो कि है फेस पॉलिशिंग या कह लो कि स्किन पॉलिशिंग। इसका आपको क्या करना है गाइस, इसकी एक पतली सी लेयर आपको आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है जिस तरीके से यहाँ पर मैं कर रही हूँ, और उसके बाद आपको इसे थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होने देना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना। इसको आपको रखना है 5 मिनट के लिए, 5 या 6 मिनट के लिए आप इसे रखें आपकी स्किन के ऊपर, उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर दीजिए। सो गाइस, 5 से 6 मिनट मैंने अपने उस फेस पैक को रखा और वॉश कर दिया ठंडे पानी से, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फेस जो है बहुत ही ज़्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम रिफ़्रेश हो गया मेरा स्किन। और आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, 101% रिकमेंड करती हूँ मैं ये फेशियल। आप भी इस फेशियल को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। मैं जी मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।